हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और आप देख रहे हैं कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है? अभी तो शादी एंजॉय कर रहे होंगे सभी लोगों के। यहां पे कोई किसी रिलेटिव्स की, किसी फ्रेंड्स की, किसी जानकार की, पड़ोसियों में, मतलब हर जगह शादियों का माहौल है। तो मुझे लगता है पक्का श्योरली है कि आप 100% एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसा माहौल कोई नहीं छोड़ता है। लेकिन इंजॉय तो करना अच्छी बात है, लेकिन इंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी करना वो जरूरी है, क्योंकि एग्जाम सर पे हैं और आने वाले हैं, और जरूरी है कि हम जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करें, अपने आप को परफेक्ट बनाएं और ये पता लगाएं कि कितने मार्क्स हम गेन कर रहे हैं और कितने अभी हमें और पिकअप करने हैं। ठीक है, क्योंकि हमें रिजल्ट अच्छा देना है और उसके लिए जरूरी है कि आपको पता रहे कि आप कितने पानी में हैं और कितनी आपको भी मेहनत की जरूरत है। तो स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान में रखते हुए इंजॉय करें। मना नहीं करता मैं कि इंजॉय ना करें, इंजॉय करें और भरपूर करें, लेकिन साथ में भरपूर पढ़ाई का भी मजा लें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, एमपीएस लॉ और एमपीएस लॉ की एप्लीकेशन पे, उसके अनुप्रयोग पे। मतलब एमपीएस लॉ के थ्रू हम किस तरीके से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। पहले अपन ने पढ़ा था बायो सावर्ट लॉ, और बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो था, हमने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का, अनंत लंबाई के चालक तार का, इस तरीके से जो भी फॉर्मूला थे वो डिराइव करे। लेकिन अभी हम एम्पियर्स लॉ जो है उसके बारे में पढ़ने वाले। सीबीएसई में बायो सावर्ट लॉ के एप्लीकेशंस कम है और एम्पियर्स लॉ की ज्यादा है, और बाकी राजस्थान बोर्ड और जो भी बोर्ड है उनमें बायो सावर्ट नियम के एप्लीकेशंस भी है और एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशंस भी है। तो मैं आपको दोनों ही बता चुका हूं, एम्पियर्स लॉ की अब हम पढ़ रहे हैं और बायो सावर्ट लॉ की हम प्रीवियस क्लासेस में प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का ये क्लास स्पेशल होने वाली है, क्योंकि एमपीएस लॉ तो समझाने वाला हूं मैं, इसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन समझाने वाला हूं, क्योंकि इसका एक न्यूमेरिकल सीबीएसई की बुक में भी है और बहुत सारे लोगों को वो आया ही नहीं। तो स्टूडेंट्स, उस बुक के में जो न्यूमेरिकल है उसको मैं बहुत ही आसान बनाकर, बहुत ही इजी बनाकर, एक सिंपल ट्रिक्स में, एक सिंपल डेरिवेशन के फॉर्म में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा ढंग से देखिएगा। आरबीएससी में तो ये डेरिवेशन ही है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना मैं उस बोर्ड से हूं, इस बोर्ड से हूं। आप चाहे आईआईटी की तैयारी करो, चाहे पीएमटी की तैयारी करो, जो शानदार कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूं वो सब जगह जरूरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज इस पर डिस्कस तो करेंगे, साथ ही साथ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करने वाले हो, तो बहुत गौर से देखिएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हमारे टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक एमपीएस लॉ। एम्पियर का नियम कहता क्या है? देखिए, एम्पियर का नियम ये कहता है कि आपके पास में भी एक वायर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, करंट फ्लो हो रहा है आई, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, निर्वात या वायु में किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन मतलब विस्थापन के अनुदिश समाकलन, लंबाई के अनुदिश समाकलन, ठीक है, बंद पथ की लंबाई के अनुदिश समाकलन, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नोट तथा उस पथ से परिबद्ध क्षेत्रफल, मतलब जो पथ है जो हमने क्लोज पाथ लिया है उसमें से कितना करंट पास हो रहा है, उस करंट के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। मतलब टोटल करंट जो उस रास्ते से पास हो रहा है और म्यू नोट के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। द लाइन इंटरवल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग क्लोज लूप इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ परमियबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मीन्स म्यू नोट एंड द टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस विच इज इनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस। अब आपको थ्योरिकली समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको ढंग से समझाता हूँ। ठीक है, डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे इजी वे में लिख दिए, आप चाहो तो आपको नोट कर सकते हो इसको। ठीक है, मैं हट जाता हूँ थोड़ा, आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब इसके बारे में बताता हूँ। देखो, मानो एक क्लोज सरफेस ले लिया मैंने ऐसे, उसमें से एक वायर पास हो रहा है और उसमें करंट कितना है आई, आई करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बी, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा ध्यान से देखना। तो हम राइट हैंड थंब रूल से बताएंगे, दाएं हाथ के नियम से बताएंगे, करंट जा रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, तो ये जो कर्ल फिंगर्स है, ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां है, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगी। तो यदि आपका करंट इस तरह जा रहा है, थंब यदि करंट को शो कर रहा है सीधा अपर डायरेक्शन में, तो मुड़ी हुई अंगुलियां मतलब इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो,
इस तरीके से क्रम जा रहा है तो ऐसे है मुड़ी हुई उंगलियां, मतलब इस तरीके से होगा। मेरे को इस यहाँ पॉइंट ऑफ पी, यहाँ मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है बाय एम्पियर्स लॉ। तो कैसे निकालूंगा? देखो यहाँ से इसकी डिस्टेंस है आर, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेता हूँ मैं इतना सा जिसकी लेंथ है डीएल। डीएल तो हम देखो यहाँ से पाथ ले रहे ऐसे, तो डीएल की लेंथ मैं ले लेता हूँ इस डायरेक्शन में। ये डीएल का डायरेक्शन हो गया, इधर ही तो मेजर करूंगा। ठीक है, अभी देखो डीएल यहां से यहां चलना है, तो यहां से आपको मैंने ऐसे डिनोट करके भाई इधर से मैं इधर जा रहा हूं, तो यहां से यहां तक ये एक पाथ हो गया है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन हो गया है। ऐसे कि दो नाइन इंटरगल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए वो नाइन की लेंथ हो गई है। अलग अलग बातें हैं, बोलने वाले अलग अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन सिंपल सी बात है, हमें एक एलिमेंट लेना है और एलिमेंट देख लेना है किस साइड डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, ऐसे मेजर कर रहे हो इस पथ के अनुदिश चल रही है, पाथ है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चले तो बहुत अच्छी बात होगी। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे देखो, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज। यदि आपका करंट सीधा वायर में फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन शो करता है? ये मुड़ी हुई उंगलियां, ये कल फिंगर्स जो है वो। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ इस साइड में एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे। और देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे कैसे होगा, इसी साइड में होगा, तो इस पॉइंट पे कैसे हुआ, इसी डायरेक्शन में हुआ। देखो ये यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ मैं, ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ले लेता हूँ, ये टेंजेंट स्पर्श रेखा डीएल का डायरेक्शन भी बता रही है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बता रही है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो एम्पियर्स लॉ ये कहता है कि यदि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस करंट की वजह से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का मैं रेखीय समाकलन करूं, फिलहाल तो इस एलिमेंट पे ही है, पूरा जो है पूरी लंबाई के अनुदिश यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालू, चुंबकीय क्षेत्र निकालू, तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डीएल हमेशा होगा म्यू नोट के, और टोटल करंट ये जो क्लोज पाथ है, ये जो बंद परिपथ है, इसमें से पार होने वाले पूरे करंट के प्रोडक्ट के इक्वल, मल्टीप्लाई के इक्वल। तो ये जो एरिया है हमारा, जो बंद पाथ है, ये जो क्लोज लूप है, इसमें से करंट कौन पास हो रहा है? आई, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी। तो देखो इसका मतलब बी की वजह से, बी में करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई। तो म्यू नोट आई, तो बी दो डीएल चुंबकीय क्षेत्र का लंबाई के अनुदिश समाकलन निकालना हो तो ये होगा म्यू नोट और आई के इक्वल, जबकि आई वो होना चाहिए जो इस बंद पाथ के अंदर हो, इस बंद पाथ के अंदर हो, इसके बाहर कोई भी करंट हुआ तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी डीएल कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये लीजिए, तो एम्पियर्स लॉ ये है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का लंबाई के अनुदिश समाकलन हमेशा म्यू नॉट आई होता है, और आई जो है वो होना चाहिए उस बंद पाथ में से पार होने वाले करंट के इक्वल, टोटल करंट जो इसके अंदर है। यदि इसके बाहर से कोई करंट जाता है इसे, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता, हमें ओनली इससे मतलब होता है जो इस क्लोज लूप में है। ठीक है, तो ये आपकी डेरिवेशन हो गई है, मतलब एक फॉर्मूला डिराइव हो गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक नंबर में तो पूछा ही पूछा जाने वाला है। इसकी एप्लीकेशन देखो, तो सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन पर डिस्कस करते हैं। आइए देखिए, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से निकाला जाए। अभी अभी मैंने ये डायग्राम आपको समझाया था, मैं एक बार और समझा देता हूं कि एक लॉन्ग वायर है, इसमें करंट फ्लो रहा है आई। जब आई करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ पैदा होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में, ठीक है, संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में। तो इसमें से मैंने एक पाथ ले लिया है, इस पाथ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए एक लंबाई ले ली है मैंने, एक लेंथ ले ली, एक एलिमेंट ले लिया, एक अल्पांश ले लिया है, आप कुछ भी कह सकते हैं, जिसकी लंबाई कितनी है डीएल। तो इस डीएल को मैं यहां से यहां तक नापूंगा, तो इसके हिसाब से मैंने डायरेक्शन दिखा दिया डीएल। अब देखो हमें ऐसे यहां से यहां तक की लेंथ डीएल है, तो डायरेक्शन लिख दिया मैंने डीएल। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन कैसे होगा, उसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। ये लीजिए राइट हैंड थंब रूल, देखिए करंट सीधा फ्लो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड मुड़ी हुई उंगुलियां बताएगी, मुड़ी हुई उंगुलियां यानी गोल गोल। तो इसके आसपास देखो, इस पॉइंट पर जैसे ही मैं यहां पे आता हूं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, कुछ ऐसा टेंजेंट स्पर्श रेखा के जैसा। तो बी डॉट डीएल,
किसी भी पॉइंट पे स्पर्श रेखा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर सकती है। इस साइड में देखो मैग्नेटिक फील्ड जैसे शो हो रहा है, तो यहाँ पॉइंट पे इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, तो मैंने टेंजेंट में शो कर दिया बी और डी। अब हमें एम्पियर्स लॉ के थ्रू जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो बाय एम्पियर्स लॉ, एम्पियर के नियम से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एक ही वीडियो बन रहा है, टाइम कम मिल पा रहा है, तो आप मैनेज करिए, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज समझा देता हूं। फिर भी यदि कुछ वर्ड्स जो है इधर उधर हो जाते हैं तो आप थोड़ा सा अरेंज करिए। कोशिश यही रहती है कि मैं हमेशा इंग्लिश और हिंदी दोनों कन्वर्जन ढंग से कर सकूं और आप ढंग से सीख सके, क्योंकि आने वाले टाइम पे हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिश मीडियम में सीखना जरूरी है, और टोटली इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको भी ढंग से टोटली इंग्लिश नहीं आती है, तो उनको भी समझाने के लिए हमें हिंदी लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है। इसीलिए मैंने एक ही वीडियो दिया है ताकि आप दोनों को समझ सके। ठीक है, आइए बात करते हैं। इससे पहले एक और बात, हम टारगेट लेके चल रहे हैं 100 व्यूज का। अभी आपको लगातार वीडियोस मिलेंगे, अभी क्या है मेरा थोड़ा कॉलेज का थोड़ा इस तरह का एग्जाम्स चल रहे थे, उस तरीके से टाइम पर वीडियो नहीं आ पा रहे थे। मुझे पता है इस महीने में वीडियो मुश्किल से 4 या 5 ही आए, लेकिन अब रेगुलर आएंगे क्योंकि हमें हमारे बोर्ड एग्जाम से पहले जो सिलेबस पूरा करना है। ठीक है, तो वीडियोस आपको डेली मिलने वाले हैं और मैं चाहता हूँ इसमें लगभग 100 व्यूज आए, और ये व्यूज तभी आएंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि अब आपको साथ में एक प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाला है। हर संडे आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी डिस्कस होगा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे भी डिस्कस होगा। तो वो सब कब होगा, जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो, और उन क्वेश्चंस को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे जुड़ सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। ठीक है, तो ये जो 100 व्यूज का जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं वो टारगेट आपको पूरा करना है, उसके लिए मुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर कंपटीशन मैथ और कंपटीशन के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी फ्री लाइव क्लासेज अवेलेबल है और साथ में प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। चाहे वो पुलिस की तैयारी कर रहा हो, चाहे पटवारी की तैयारी कर रहा हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहा हो, चाहे एयरफोर्स नेवी एनडीए की कर रहा हो, उसके लिए भी फिजिक्स के क्लासेज अवेलेबल है। तो आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड जो बच्चे हैं, जो जानकार आपके जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें आप जोड़ सकते हैं, उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। उन्हें कहना नहीं है सब्सक्राइब करो, उन्हें कहना नहीं है कि आप देखो, उन्हें बताना है कि वहां पे ये अवेलेबल है, उन्हें अच्छा लगे तो वो जुड़े। ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेट हो। ठीक है, आइए बात करते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड, हम एम्पियर के नियम से। और एम्पियर का नियम क्या कहता है, बी डो डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो देखिए बी डी एल कॉस थीटा में लिख सकता हूं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणनफल है, स्केलर प्रोडक्ट है, और स्केलर प्रोडक्ट में क्या आता है, 2/30 का कॉस थीटा लगेगा, यही होता है। यहां पे लिख देता हूं मैं म्यू नॉट आई। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको फिर समझ में आ जाए। अब देखो यहां पे जो एंगल है वो बी और डीएल के बीच में बनना चाहिए, मतलब बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, डी यानी लंबाई, एलिमेंट की लंबाई, अल्पांश की लंबाई, एलिमेंट की लेंथ, एलिमेंट की लेंथ यदि इसी डायरेक्शन में है, ये लो मैंने डायरेक्शन शो कर दिया, एरो बढ़ाकर कर दिया ताकि आपको समझ में आ सके। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में देखो इस पॉइंट पे इसी साइड है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा इज इक्वल टू कितना बन रहा है, 0 डिग्री। ठीक है, तो देखिए थीटा इज इक्वल टू 0, सिंस थीटा इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यदि आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हो, फेरों की संख्या दी हुई हो, तो आप यहां एन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर सीधा तार है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स तो हो नहीं सकते। नंबर ऑफ टर्न्स कब होंगे, फेरों की संख्या कब होगी, जब वायर ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा हुआ रहेगा तब, तो आप यहां पे एन ना लगाए। ठीक है, ये भी मैं समझा देता हूं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखो बात करते हैं बी डी एल की। हमारे पास आ गया म्यू नॉट आई, बी आप कॉमन ले लो मतलब बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन होना है डीएल का म्यू नॉट आई। ये डीएल जो लेंथ है वो किसकी लेंथ है, इस क्लोज पाथ में इतनी सी लेंथ, ये लेंथ कहां तक चेंज हो सकती है, इस पॉइंट से लेके और इस पूरे सर्कुलर पाथ की, इस वृत्तीय पथ की, इस बंद पाथ की लंबाई तक, इसकी लंबाई कही जा सकती है, बदल सकती है। अब इतना सा एलिमेंट लिया, इतना भी ले सकता हूं, इतना भी ले सकता हूं, पूरी लेंथ भी ले सकता हूं, तो एलिमेंट की लेंथ जो है वो चेंज हो सकती है। तो पूरी लेंथ हो गई एल, इंटीग्रेशन कर दिया, डीएल का इंटीग्रेशन होता है एल, तो म्यू नॉट आई। मैं वो सब छोटी छोटी बातें बता रहा हूं जिनके बारे में मैं पता नहीं है,
आप बहुत सारे बच्चे से सोचोगे सर ये क्या कह रहे हैं, ये डीएल कहां से कहां तक बदल सकती है, इसका मतलब है आपको ये बात समझ नहीं है, इसका मतलब आपने रटा है। रटने से फिजिक्स नहीं आती है। आप क्या करोगे, डीएल का इंटीग्रेशन एल होता है, एल यानी पूरी लंबाई, अरे भाई डीएल यानी लेंथ, यहां तक आपने भी इतनी लेंथ ली, ये चेंज भी तो हो सकती है, इतनी भी ले सकते थे, इतनी भी ले सकते थे, इतनी भी ले सकते तो पूरी भी ले सकते थे, मतलब लेंथ जो है वो पूरी इंटीग्रेट होगी, समाकलन होगी, पूरा का पूरे लेंथ की बात की जा सकती है, लेंथ पूरी जीरो से लेके टू पाई आर तक ली जा सकती है। क्यों? क्योंकि एक सर्कुलर पाथ पे एक वृत्तीय पथ की जो लंबाई होती है वो उसकी परिधि के इक्वल होती है, सर्कमफेरेंस के इक्वल होती है। तो इसकी जो कुल लेंथ है, टोटल लेंथ है, वो इसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी, सर्कमफेरेंस यानी परिधि, और परिधि होती है टू पाई आर। यहां पे फॉर्मूला क्या हुआ, म्यू नॉट आई, तो B इज इक्वल टू क्या हुआ, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, और ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है। ठीक है, लेंथ सर्कुलर पाथ है तो हमेशा उसका सर्कमफेरेंस ही आएगी, उसकी परिधि ही आएगी। अब पूछा जाता है ग्राफ, और ग्राफ आता है B और R के बीच में, B एंड R, जिन जिन चीज के बीच में आपको ग्राफ चाहिए उनको रखिए, बाकी सबको कॉन्स्टेंट मान लीजिए, मतलब सबकी वैल्यू वन कर दीजिए। ये भी यहां पर है, आर यहां पर है, तो मैं लिख सकता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, सबको 1 मान लिया है और मैंने r को छोड़ दिया है, तो b और r ऊपर नीचे है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली यदि व्युत्क्रमानुपाती है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसका मतलब है r की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, डिस्टेंस जितनी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड उतना कम हो जाएगा, चुंबक क्षेत्र उतना कम होगा। पर ये बात हम भी जानते हैं कि हम जितना दूर जाएंगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, कम होगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है एग्जांपल्स जो है उससे रिलेटेड एग्जांपल्स आते हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड। इसके अलावा एक एग्जांपल और है, मैं आपको वो एग्जांपल डेरिवेशन के जैसे समझाना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही आसान है, डेरिवेशन के थ्रू समझोगे तो, एग्जांपल के थ्रू समझोगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो आइए नए टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, बहुत ही शानदार टॉपिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलैंड्रिकल कंडक्टर, एक बेलनाकार चालक है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए ये मेरा एक, मेरे पास एक कंडक्टर वायर है या कोई भी कंडक्टर है सिलैंड्रिकल शेप में, किस शेप में, सिलैंड्रिकल शेप में, बेलनाकार आकृति, और इसमें से जो टोटल करंट है, टोटल करंट वो पास हो रहा है कैपिटल आई, ध्यान से देखना, इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो है कैपिटल आर, और हमें यहां एक पॉइंट है स्मॉल आर डिस्टेंस पे, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे, यहां पी पॉइंट है, वहां हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। आउटसाइड में हुआ इस कंडक्टर के, तो आउटसाइड में है ये पॉइंट, तो देखिए तो आपको टॉपिक का नाम ये भी दिया जा सकता है, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, सरफेस के बाहर, पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ के बाहर। ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा, क्वालिटी एंड कंटेंट पे जाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है आपको वीडियो क्वालिटी भी थोड़ी पुअर लगे, हो सकता है थोड़ी लाइटिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, फिलहाल मैंने यहाँ पे 2-3 एलईडी यूज कर रखी है, लेकिन यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए ताकि मैं और यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट और करूंगा। अभी मैं थोड़ा अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं अफोर्ड करूंगा आपके लिए सब कुछ जो है यहाँ पे मेटेरियल अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा सर्कल्स की फॉर्म में, ऐसे ही तो होगा, ये रहा आपका सिलेंड्रिकल कंडक्टर, बेलनाकार चालक, करंट जा रहा है ऊपर, तो मुड़ी हुई उंगलियां जो है वो क्या बताती है, कर्ल फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती है, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा। यहां पर लेंथ ले लेता हूं मैं डीएल, अभी जैसे लिया था प्रीवियस कॉन्सेप्ट सेम टू सेम, ठीक है, आपको याद होगा ये लेंथ है डीएल, तो मैं इसको डायरेक्शन शो कर लेता हूं इस साइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है डायरेक्शन में, ये क्लोज पाथ ये है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड होगा, कुछ ऐसा इस साइड होगा, तो मैं यहां लिख देता हूं बी, थीटा कितना बना, बी और डीएल के बीच में 0 डिग्री, हमेशा याद रखना थीटा 0 डिग्री बनेगा यहां पर। ठीक है, आइए बात करते हैं,
देन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। टोटल करंट इस क्लोज पाथ में टोटल करंट आई है, ये आई इसमें से पास हो रहा है, ये इसमें से भी तो पास हो रहा है, इस क्लोज पाथ में से करंट हमें से इस पूरे क्लोज पाथ में से जितना जाता है उसी को हमें लेना है। ध्यान रखिएगा बहुत ही काम की चीज है, ठीक है। आगे देखो बी डीएल कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। बी डीएल थीटा इज इक्वल टू कितना है जीरो, तो कोस थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा अगर इधर थीटा इज इक्वल टू जीरो बी और डीएल के बीच में, इतना तो सबको पता है, कॉमन सेंस है। अब देखिए तो मेरे पास बच जाएगा बी डीएल और यहां बच जाएगा म्यू नॉट आई। अभी ध्यान से देखना B को मैं बाहर ले लेता हूं यहां पर, तो इंटीग्रेशन किसका DL का म्यू नॉट आई, B का DL का इंटीग्रेशन हो जाएगा L म्यू नॉट आई। टोटल लेंथ अब किसकी लेंथ, इस क्लोज पाथ की लेंथ जिसकी लंबाई हमने लिए DL, जिस पे एलिमेंट हमने लिया है कल्पांश लिया है DL, तो इस पूरे की लंबाई कितनी है R रेडियस है तो 2 पाई R परिधि के इक्वल, अभी तो बताया था मैंने सर्कमफेरेंस के इक्वल, तो देखिए तो मैं यहां लिख सकता हूं बी पूरी लेंथ है 2 पाई आर म्यू नॉट आई, तो बी इक्वल टू फॉर्मूला जाएगा म्यू नॉट आई 2 पाई आर, ये आपका पूरा फॉर्मूला हो गया है। बहुत ही आसान है, सेम डेरिवेशन है, बस डायग्राम अलग बन गया है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड केस की बात करते हैं, आर इज इक्वल टू आर, ठीक है, ऑन द सर्फेस है एट द सर्फेस, ऑन द सर्फेस पृष्ठ पर सरफेस पर हो, सरफेस पर मतलब कुछ इस तरीके से, करंट अभी भी पूरा पास हो रहा है आई, और अब की बार जो रेडियस है स्मॉल आ रहा है सॉरी कैपिटल आ रहा है, और पॉइंट यहां पर है सरफेस पर, तो अब की बार कुछ ऐसा बनेगा क्लोज लूप फर्स्ट सरफेस पे ना, इसलिए पृष्ठ पर इसलिए, और डायरेक्शन वही आएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं। आर इज इक्वल टू आर पर, दोनों आर सेम है, देखो रेडियस भी सेम है स्मॉल आर भी सेम है, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है म्यू नॉट आई ये 2 पाई आर है, तो यहां लिख देना है 2 पाई कैपिटल आर, स्मॉल आर की जगह में कैपिटल आर रख सकते हैं क्योंकि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। ये दो डेरिवेशन तो सेम है, दोनों फॉर्मूला सेम है, प्रॉब्लम आती है तीसरे फॉर्मूला में, तीसरा फॉर्मूला थर्ड केस, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर इनसाइड द सरफेस पृष्ठ के अंदर। अब देखिए किस तरीके डायग्राम बनेगा, डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा, करंट यहां तो पूरा पास हो रहा है आई, ये हमारा जो है सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, यहां से यहां तक त्रिज्या है कैपिटल आर, रेडियस है कैपिटल आर, लेकिन पॉइंट यहां पर ही अपनी बार स्मॉल आर पे, तो मैं क्लोज सरफेस ले लेता हूं इसे। अब देखो करंट इतना ही पास हो रहा है उसी से मतलब हमें ओनली यहां से इस एरिया से, और यहां से पास हो रहा है स्मॉल आर, इतने से एरिया में से जो करंट पास हो रहा है वो हो रहा है स्मॉल आर। तो अब आपका फॉर्मूला किस तरह लगाओगे आप, देखिए डेरिवेशन सेम रहेगी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा बस वैल्यू बदलेगी, कैसे म्यू नो देखो इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डीएल इज इक्वल टू, मैं यहां से उठा लेता हूं है ना वैल्यू, यहां से थीटा तो वैसे जीरो आने वाला है तो मैं यहां से ले लेता हूं डेरिवेशन आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्ट यहां से ले सकते हैं बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई लेकिन आई कौन सा, ये वाला कैपिटल आई या ये वाला स्मॉल आई, तो हमेशा मैं अभी भी बोल रहा हूं ध्यान देने वाली बात है हमेशा के लिए कि जो आई आएगा वो आएगा क्लोज सरफेस में जो करंट पास हो रहा है वो, इतना बड़ा क्लोज सरफेस था तो करंट पूरा आई पास हो रहा था, अभी क्लोज सरफेस कितना सा है इसमें से करंट पास हो रहा है स्मॉल आई, तो मैं यहां पे लूंगा ओनली स्मॉल आई। अब स्मॉल आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये एरिया पे डिपेंड करता है, ये कैसे निकालो तो मैं दो मेथड बताऊंगा आपको, आप दोनों से निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले पहला मेथड, डेंसिटी हमेशा इक्वल होती है, डेंसिटी हमेशा इक्वल होती है, बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आती, घनत्व हमेशा समान होता है, अभी भी नहीं समझ में आएगी मैं बताता हूं, हमको पता है पानी की डेंसिटी होती है 1000, पानी की डेंसिटी होती है 1000, घनत्व 1000 होता है, तो वो पानी जो है वो कितना होना चाहिए, एक बाल्टी एक गिलास
तो स्टूडेंट्स, चाहे एक गिलास हो चाहे एक बाल्टी हो, घनत्व उतना ही रहता है। तो मतलब आप एक गिलास बाल्टी में से एक बाल्टी में से एक गिलास पानी बाहर निकालेंगे तो डेंसिटी सेम ही तो रहेगी। तो इतने बड़े में से आपने इतना करंट बाहर निकाल लिया तो भी डेंसिटी सेम रहेगी। तो यहां बात किसकी चल रही है? करंट की। तो कौन सी डेंसिटी सेम रहेगी? करंट डेंसिटी सेम रहेगी। करंट की बात चल रही है तो करंट डेंसिटी, चार्ज की बात करिए तो चार्ज डेंसिटी, एरिया की बात करिए तो एरिया चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम की बात करिए तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी सेम रहेगी। तो देखो मतलब पूरी डेंसिटी इज इक्वल टू छोटी वाली डेंसिटी, छोटी मतलब इतनी सी। एलिमेंट की डेंसिटी इक्वल टू टोटल डेंसिटी। करंट डेंसिटी होता है I अपॉन A। ठीक है, यहां पे भी होगा स्मॉल I अपॉन में स्मॉल A लिख देता हूं फिलहाल। कैपिटल I A, एरिया पूरे कंडक्टर का एरिया, और पूरे कंडक्टर का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, रेडियस आर है। यहां होगा स्मॉल आई, इतना एलिमेंट जो हमने लिया छोटा सा, ये जो क्लोज सरफेस है उसका एरिया, और उसका एरिया होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया है। तो स्मॉल आई की जो वैल्यू है वो जाएगी आई स्मॉल आर स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। तो आप यहां से भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक तरीका और है, आसान है वैसे। डेंसिटी सेम होती है, पूरी डेंसिटी में से छोटी वाली डेंसिटी इक्वल रखो, डेंसिटी सेम है। फिलहाल यार करंट की बात करिए तो करंट डेंसिटी इक्वल है, तो करंट डेंसिटी वैल्यू रख दी मैंने, एरिया टोटल कंडक्टर का एरिया, टोटल कंडक्टर का सरकम, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इतने से का सर्कुलर जो पोर्शन है उसका एरिया, और तो उसका होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस स्मॉल आर है। यहां से मैंने स्मॉल आर की वैल्यू निकाल ली है, फिर भी नहीं समझ आया तो देखिए ध्यान से, ये कंडक्टर वायर है तो यहां से करंट पास हो रहा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से करंट पास हो रहा है पाई, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया से पास होगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। हमें कितने एरिया से मतलब है? स्मॉल वाले से, और स्मॉल वाला एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से करंट पास होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आई कैपिटल आर स्क्वायर, सॉरी आई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। देखिए सेम वैल्यू आ रही है। आप कैसे भी कर दीजिए, ऐसे या ऐसे, एरिया के हिसाब से निकाल लीजिए या डेंसिटी के हिसाब से निकाल लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, आगे बात करते हैं हम। ठीक है, ध्यान से देखना। तो ऊपर बात करते हैं बी, इंटीग्रेशन लगा देता हूं मैं डीएल म्यू नोट और स्मॉल आई, स्मॉल आई की वैल्यू यहां से लेता हूं आई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। बी डीएल लेंथ एल हो जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन लेंथ ही तो होगी, इस जो एरिया है ये जो क्लोज पार्ट है उसका सर्कमफेरेंस, ठीक है, उसकी परिधि म्यू नोट आई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखिए बी एल की बात करते हैं, एल यानी लेंथ, इसकी लेंथ यानी परिधि यानी सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस रेडियस स्मॉल आर है तो मैं लिखूंगा 2πr। ध्यान से देखना ताकि आप कर सको म्यू नोट आई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखिए स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल हो गया है, बाकी सबको मैं नीचे लिख देता हूं, तो b इक्वल टू म्यू नोट पाई स्मॉल आर 2πr कैपिटल आर स्क्वायर। ये 2πr घर चला गया है तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो तीन कंडीशन हो सकती है, कंडक्टर के बाहर, कंडक्टर के सरफेस पर, कंडक्टर के सरफेस के अंदर। तीनों कंडीशन में तीन अलग अलग फॉर्मूला आएंगे। अब कई बुक्स में ये न्यूमेरिकल्स दे रखा है, कई बुक्स में ये डेरिवेशन दे रखी है, मैंने आपको डेरिवेशन के थ्रू समझा दिया ताकि आप न्यूमेरिकल कर सके। अब एक ग्राफ भी आता है इसका, तो ग्राफ भी ड्रॉ कर देते हैं अपन। देखिए बी और स्मॉल आर, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब देखिए इनसाइड द सरफेस, ये इनसाइड के लिए है, इनसाइड वाला चार्ज, देखिए केस इनसाइड में देखिए बी और स्मॉल आर के बीच में क्या रिलेशन है, ये रहा यहां पर बी, ये रहा आपका स्मॉल आर आमने सामने, इट मींस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। देखिए तो यहां पर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ इस तरह आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। सरफेस पर आ गया, अब देखिए सरफेस के बाद में इनसाइड सॉरी आउटसाइड देखिए बी यहां पर है, स्मॉल आर यहां पर है, तो मतलब बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आता है ऐसे, तो ये ग्राफ आ गया। अब इसमें कॉमन सेंस का सवाल, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां है इन तीन केस में, ध्यान से देखना आप यहां से बता पाओगे। यदि आपने कॉन्सेप्ट समझाया तो, नहीं समझाया फिर भी आप बताना चाहते हो तो सुपर कॉन्सेप्ट यहां से है। देखो बी के बिंदु देखो कहां पर है, यहां पे मैक्सिमम है मतलब आर इज इक्वल टू आर पर, तो सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है। एक सरफेस बी इक्वल टू मैक्सिमम, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है वैल्यू कहां पर मैक्सिमम होती है, तो वैल्यू हमेशा सरफेस पर मैक्सिमम होती है। ग्राफ में देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमेशा कंडक्टर के सरफेस पर जो है वो मैक्सिमम होती है। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझने का फेर है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर पाएंगे, रटना नहीं है। मैंने बहुत बार कहा आपको रटने से फिजिक्स नहीं आती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही बात करेंगे, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिए, जल्दी आपको इनकी नोट्स की पीडीएफ भी मिलना चालू हो जाएगी। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा। फिलहाल आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, संडे टेस्ट वहां पर ही लगेगा, आपको पीडीएफ फाइल भी मिलने वाली है। तो स्टूडेंट्स देरी ना करिए, लिंक के अंदर जो है डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर जो है दे रखा है मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ फिजिक्स फाउंडेशन कोर्स की मैंने प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि वीडियो मैथ्स का आ रहा है या फिर एयरफोर्स नेवी का आ रहा है या फिर जो है फिजिक्स का आ रहा है। आप बकायदा प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पर जो वीडियो अपडेट्स हो रहे आप वहां पर वीडियो देख सकते हैं, किसी भी चीज का कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक चैनल है, इस पे इतनी सारी क्लासेज है तो आपको एक जैसा तो मिलेगा नहीं, तो आप वहां पे उस ग्रुप से स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आप जो देख सकते हैं क्लास बाय क्लास, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, शादी इंजॉय कीजिए लेकिन पढ़ाई भी करिए, ठीक है। तो मिलते